हेलो गाइस, इजी आईटी सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू आप कोई भी ब्राउज़र या अदर सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल कर सकते हो बहुत ही इजीली। जैसे कि आपने लेट्स से कि आपने न्यू विंडो इंस्टॉल करी, तो हमें यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एज में जाना पड़ता है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो इस केस में आप स्मार्टली कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू ऑप्शन होता है जो जस्ट एक कमांड होती है सिंपल, आपने कमांड प्रॉम्प्ट को रन एज एडमिन कर देना है, यहाँ से यस कर देना है। और बहुत ही सिंपल कमांड है, कोई भी इसको टाइप कर सकता है। कमांड ये है विन गेट, और सर्च अब आपने पैकेज सर्च करना है, लेट से ब्राउज़र आपने डालना है, ये स्पेलिंग और एंटर। जब आप पहले इंस्टॉल करेंगे इसको तो वो यस के लिए पूछेगा, आपने यस करना है एंड देन वो उसके बाद आपकी जो परमिशन है वो अलाउ कर देगा। अब यहाँ से लेट से हमने गूगल क्रोम को इंस्टॉल करना है, ब्रेव मैंने ऑलरेडी कर रखा है, गूगल क्रोम भी मैंने इंस्टॉल कर रखा है ऑलरेडी, ये देख सकते हो। आपने उसकी जो आईडी है वो कॉपी कर लेनी है इस तरीके से, और ये कंट्रोल सी के साथ यहाँ कर देनी है। आपने यहाँ पर कमांड लिखनी है विन गेट, अब आपने यहाँ पर इंस्टॉल लिखना है बस। और ये जो आपने आईडी कॉपी की है, ये वाली आईडी होती है, हर सॉफ्टवेयर की एक आईडी होती है ये वाली, तो ये आपने एंटर कर देना है। तो मैंने पहले ये इंस्टॉल कर रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, मैंने पहले इंस्टॉल कर रखा, तो हम अब 7-Zip को इंस्टॉल करेंगे यहाँ से। तो मैं ये पीछे कर लेता हूँ, विनगेट सर्च करेंगे हम पैकेज, और जिप कैटेगरी की जो भी सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल करेंगे हम। ये देख सकते हो सारी चीज़ें आ गई 7-Zip, ये देख सकते हो, अब ये मिल गया हमें 7-Zip। इसके आईडी ये कॉपी कर लेनी है कंट्रोल सी से, और आपको सेम कमांड लिखनी है विन गेट, बट यहाँ पर इंस्टॉल लिखना है। ये आईडी जो आपने कॉपी करी वो पेस्ट करके एंटर कर देना जस्ट आपको, और बहुत ही सिंपल कुछ ही सेकंड्स में आप देख सकते हो ये इंस्टॉल कर रहा है, यहाँ पर ये वेरीफाई कर रहा है सॉफ्टवेयर को, और डन। यहाँ मैं रिफ्रेश करूँ, देख सकते हो 7-Zip यहाँ पर आ चुका। अब आपने लेट से रिमूव करना है किसी प्रोग्राम को, ओके, तो मैं यहाँ से ब्रेव को रिमूव करके दिखाता हूँ आपको, ये सॉफ्टवेयर जो है ब्राउज़र। तो मैंने इसको इंस्टॉल किया था बी, ये देख सकते हो, यहाँ पर आपने ये कर देना है, सेलेक्ट कर देना है एंटर या फिर कंट्रोल सी। अब रिमूव करने के लिए आपने क्या करना है, विन गेट, अब यहाँ आपने रिमूव लिखना है, और उसका जो आईडी नंबर है वो कंट्रोल भी और एंटर। ये बहुत ही अच्छी चीज़ लगी मेरे को, काफ़ी अच्छे तरीके से आप इस किसी भी सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कर सकते हो, ये देखो। थोड़ा सा मैनुअल इंटरफेस है इसमें, क्योंकि आपको बेसिकली यस करना पड़ेगा इसमें, और देख सकते हो अनइंस्टॉल फेल विद कोड, ओके, ये देख सकते हो यहाँ पर अनइंस्टॉल हो चुका है, ओके। तो इस तरीके से दोस्तों आप किसी भी ब्राउज़र या अदर थिंग्स को यहाँ से रिमूव एंड इंस्टॉल कर सकते हो अपने विंडोज़ में। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में।